औरैया में मारे गए प्रवासी मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया गया है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलग से राहत का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने भी हर मृतक के परिवार को 1 लाख की मदद का वादा किया। साथ ही कहा कि भाजपा इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ले और प्रति मृतक 10 लाख रुपए की राशि दे। घटना के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए बॉर्डर के दोनों आगरा के फतेहपुर सीकरी और मथुरा के कोसी कलां के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही प्रवासी मजदूर जहां से होकर गुजरे थे यानी कि मथुरा, आगरा के एसएसपी, एएसपी और आगरा के एडी जोन से घटना पर जवाब मांगा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक आगरा के फतेहपुर सीकरी से होकर गुजरा था। आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद ने कहा कि साफ निर्देश दिए गए थे कि ट्रक में सवार होकर प्रवासी मजदूरों को नहीं जाने दिया जाए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि हादसा दुखद है। दिनेश शर्मा ने कहा कि सीएम ने पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने और घायलों का समुचित उपचार कराने और मंडलायुक्त कानपुर और आईजी कानपुर को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य और अपनी देखरेख में संपन्न कराने और दुर्घटना के कारणों की जांच की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 लोगों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर दुखद है। मैं मानता हूँ कि बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुँचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपये जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। पीएम मोदी ने भी प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आज तड़के 3:30 बजे ट्रक और डीसीएम की जोरदार टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 36 मजदूर घायल हैं। जिन ट्रकों में टक्कर हुई इन दोनों गाड़ियों में सवार अधिकतर मजदूर पश्चिम बंगाल और झारखंड के थे। पुलिस ने बताया कि सुबह की डीसीएम मेटाडोर दिल्ली से मजदूरों को लेकर आ रही थी। इनमें से कुछ मजदूर औरैया और कानपुर देहात मार्ग पर मेटाडोर को रोककर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान राजस्थान के जयपुर से मजदूरों को लेकर आ रहे एक ट्रक ने इस मेटाडोर को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरे। हादसे के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की स्थिति खराब होती जा रही है और जल्दी ही कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।